नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीरतन शुक्ला और आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं और मेरे दो दोस्त शौराशीष लहरी और शुभमोय दास, हम सब आईपीएल के बारे में बात करेंगे। अच्छा बताइए, अगर कोई भी चीज अचानक इम्प्लीमेंट हो तो कैसा लगता है? आप सबसे ये क्वेश्चन है हम तीनों के तरफ से। पहले हम सोरासी से करेंगे, फिर शुभमन से करेंगे, उसके बाद आप लोग इनबॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। टाटा आईपीएल में इस बार जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है वो क्या कंफ्यूज करता है कि वो अच्छा है, क्रिकेट के लिए अच्छा है कि क्रिकेट के लिए नहीं अच्छा है? क्या लगता है सोरासी लहरी आपको? देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे को लगता है, क्योंकि पहले तो 11 प्लेयर ही खेलते थे, 11 को ही मौका मिलते हैं। अभी ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल आने की वजह से आपको खाली 11 नहीं, आपको इनफैक्ट 12 प्लेयर खेलने का मौका मिलेगा, और एक प्लेयर जिसने अपना पूरा हुनर दिखा दिया है मैच में, उसकी जगह में भी आप एक प्लेयर को ला सकते हैं जिसको अपना पूरा हुनर शो करने का पूरा मौका मिलेगा। सो इट्स अ गुड थिंग, मेरे को लगता है। शौराशीष को लगता है कि ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल अच्छा है। शुभमोय दास के पास जाते हैं, उनको क्या लगता है? देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो हुआ है ये तो कैप्टन के स्ट्रेटेजी के हिसाब से चेंज हो सकता है, तो मैच के कोई भी टाइम में ये इम्पैक्ट प्लेयर आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैच का रुख अगर एक तरफ से एक तरफ जा रहा है, आप इम्पैक्ट प्लेयर को उतार के वो रुख पलट सकते हो, बैट्समैन के जगह बैट्समैन उतार दो, बॉलर चाहिए तो बॉलर उतार दो। तो ये मैच के स्ट्रेटेजी के चेंज जो हो रहा है, जो मैच का तरफ रुख जो बदल सकता है कोई भी टाइम में, मैच का रुख किसी भी समय बदल सकता है। कल के मैच में हमने देखा था, लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच में जो मैच हुआ था, वहां पे गौतम को लास्ट ओवर के लास्ट बॉल में रिप्लेस किया गया था एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। आप लोग इम्पैक्ट प्लेयर को लेके खुश हैं कि कंफ्यूज है? प्लीज बताइएगा, अच्छे से रहिएगा। जय हिंद।